पहला एंटीबायोटिक तो उन्नीस में निकला था पर दूसरा एंटीबायोटिक था स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि टीवर क्लोसिस में काफ़ी यूज़ हुआ और 1945 में निकला देखिए ये स्ट्रेप्टोमाइसिन वैसे टीवर क्लोसिस में यूज़ होता है पर ये ये सालमोनोस ब्रूसिलोसिस और पाचुरोसिस ये पाचोरे मोन्टीसीडा मतलब घुरुआ मैं ये बहुत अच्छा काम करता है स्टेप्टोमाइसिन डूसलोसिस में काम करता है रिटेन प्रेश वगैरह हो जाए या उसका इन्फेक्शन हो बच्चेदानी का ये मेस्टाइटिस में काम नहीं करता है और साल्मोनेलोसिस जो डायरिया वायरिया हो जाता है उसमें ये अच्छा काम करता है तो आप ये स्टेप्टोमाइसिन ये मिल जाता है सब जगह और आप इसको आसानी से ले सकते हैं इसकी डोज जो है वो जो है एलेवन एम पर के जी बॉडी वेट है और ये फाइव ग्राम से मिलता है फाइव ग्राम लगा दिए तो इस्टेप्टोमाइसिन मैं का मैंने बता दिया तो हमारा जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है ट्रेनिंग के बारे में आप राठौर जी से पूछ सकते हैं राकेश राठौर इनका टेलीफोन नंबर सेवन थ्री हंड्रेड डबल सेवन ट्रिपल वन सेवन है आप नीचे दे दे, दे रखा है उनसे संपर्क कर कर सकते हैं और आप हम प्रोड हमारे प्रोडक्ट और, और चीज़ों के लिए आप ब्रजमोहन जी हैं जिनका टेलीफोन नंबर एट फाइव सिक्स फाइव ज़ीरो बासठ छियासठ जीरो है उनसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद आपने सुना